अनैतिक गतिविधियों पर यमुनानगर पुलिस पूरी तरह सख्त है। एक के बाद एक एक्शन यमुनानगर में देखने को मिल रहा है। अपने मुनाफे के लिए समाज का ताना बाना और माहौल खराब करने वाले गुडलुको होटल पर पुलिस ने की छापेमारी। यहां 600 रुपए प्रति घंटा लेकर कराया जाता था अनैतिक कार्य। थाना शहर पुलिस ने होटल के तीनों मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दरअसल जिले में कैफे की आड़ में युवा युवतियों को अनैतिक काम करने के लिए कमरा देने वालों की अब खैर नहीं है। इन पर अब कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यमुनानगर थाना शहर पुलिस ने डीएवी गर्ल्स कॉलेज के बैक साइड के पास चल रहे गुडलुक होटल में रेड की। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को काबू किया। इन पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। SHO सिटी कमलजीत सिंह ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा लिखित और मौखिक सूचना दी गई थी। इस पर पुलिस ने होटल में जाकर चेकिंग की। वहां पर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। रजिस्टर चेक किया तो उसमें पाया कि कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों का नाम दर्ज था। यहां पर कमरे को 2 से 3 घंटे के लिए 400 से 600 रुपए किराए पे दिया जाता था और अनैतिक कार्य होते थे। होटल संचालक करनाल का सोनबीर गांव पासरा निवासी शमी कुमार, होटल मैनेजर गांव मंडेबर निवासी राहुल को वहां से टीम ने काबू किया। SHO सिटी ने कहा कि कोई भी कैफे और होटल यदि ऐसा करता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अनैतिक गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। SP मोहित हांडा के दिशा निर्देशों पर कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि इससे पहले ऐसे 5 रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी की गई थी जो अवैध रूप से शराब पिला रहे थे। अब पुलिस ने कैफे की आड़ में गलत काम करने वाले होटल्स पर भी छापेमारी की। होटल कैफे में रेड की गई थी जिसमें लड़के लड़कियां कुछ वो कार्य कर रहे थे जिसमें समाज का पतन हो रहा था, तो इसमें 3 जो होटल के मालिक थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है जिसमें सोमवीर है, समी है और राहुल नाम के व्यक्ति हैं। बिल्कुल आगे यही कार्रवाई जारी रहेगी। जितने भी कैफे हैं जिसमें गलत काम हो रहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी होटल जिसमें ये काम हो रहा है जिनके पास लाइसेंस है या नहीं है उनको बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरह की असामाजिक कार्रवाई करवा रहे हैं। ये छोटी लाइन DAV कॉलेज फॉर गर्ल्स के पिछले गेट के साथ में ही एक होटल गुड लक था। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।